वेलकम बैक दोस्तों, बिस्टेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपक। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज की भी टेक न्यूज काफी खास होने वाली है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक से भी मार देना और घंटी को दबा के ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारा जो अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज वन प्लस की तरफ से निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वन प्लस का जो 9 सीरीज है वो आपको मार्च 23 को लॉन्च होते हुए दिख सकता है। तो अब कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन ये आ रही है दोस्तों कि वन प्लस का जो वॉच होगा वो भी आपको मार्च 23 को लॉन्च होते हुए दिख सकता है वन प्लस 9 सीरीज के साथ। और इसकी कंफर्मेशन कंपनी ने ऑफिशियली ट्विटर पर कर दिया दोस्तों। और साथ में रूमर ये भी आ रही है कि वन प्लस का जो वॉच होगा उसमें आपको गूगल का ओएस दिखने को मिल सकता है, मतलब उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो गूगल बेस्ड होगा। और दोस्तों, कंपनी ने इसके लिए ट्विटर पर एक टीज किया है और जिसका उन्होंने मोटो लाइन दिया है कि यू आस्क फॉर इट यू आर गेटिंग इट, मतलब आपने हमसे पूछा और आपको यह फिर से मिल रहा है। तो दोस्तों, मार्च 23 को यह लॉन्च हो ही रहा है, तो जैसे ही बाकी की जो भी प्राइस डिटेल्स रिवील होगी इसकी, मैं फिर से इस पर आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे वन प्लस वॉच कितने लोग लेना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। दोस्तों, अगली न्यूज अमेजोन की तरफ से निकल के आ रही है। अमेजोन का एप्पल डे सेल चल रहा है दोस्तों, और इसकी स्टार्टिंग 12 मार्च से होकर आपको 17 मार्च तक चलने वाली है दोस्तों। और इसमें आपके जो भी एप्पल के प्रोडक्ट है उसको आपको अच्छी खासी डिस्काउंट मिलने वाली है। और इसमें जो भी जो आईफोन 12 सीरीज है, साथ में iPad mini और MacBook Pro है, उसमें आपको अच्छी खासी डिस्काउंट देखने को मिलेगी। और जो भी HDFC कार्ड यूजर है उनको 8000 तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो जो लोग भी iPhone के लिए वेट कर रहे थे, अभी जो सेल चला उसमें जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और इस पर अच्छे खासे डिस्काउंट का भी ऑफर आप उठा सकते हैं। वैसे कितने लोग iPhone यूजर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। और जो एप्पल का iPhone 11 Pro है कितने लोग परचेज कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताओ। दोस्तों, अगली न्यूज एसर की तरफ से निकल के आ रही है। एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप इंडिया में लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और इसकी प्राइस रेंज 90,000 के आसपास रखी गई है। और वहीं बात की जाए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 15.6 इंच फुल HD TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और साथ में एसर इसमें आपको लेटेस्ट एनवीडिया ग्राफिक्स GeForce RTX 3060 ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहा है, जो इंटेंसिव कोर गेमिंग के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है दोस्तों। और साथ में आपको प्रोसेसर के तौर पर 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। और वही बात की जाए रैम वेरिएंट की, तो इसमें आपको 6GB रैम वेरिएंट से लेकर आप इसको 32GB रैम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और यह जो लैपटॉप है दोस्तों, वो आपको एसर के ऑनलाइन स्टोर और साथ में अमेजोन पर देखने को मिल सकता है। और ये आपको एक कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा, ऑब्सिडियन ब्लैक। तो जो लोग भी इस लैपटॉप का वेट कर रहे थे वो बहुत जल्दी सेल में आता है, तो इसको जाके परचेज कर सकते हैं। और साथ में एसर ये भी क्लेम करता है कि इसका जो फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है वो आपको 10 आवर तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। और साथ में आपको ब्लूटूथ 5.0 वाईफाई 6 का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और साथ में गेमिंग के लिए इसमें कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल रही है, तो गेमर्स के लिए काफ़ी यह बेस्ट होगा। तो जो लोग भी इसका वेट कर रहे थे, जैसे ये सेल में जाता है आप लोग इसे जाके परचेज करें। तो अगली न्यूज रियलमी की तरफ से निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते चाइना ने रियलमी GT लॉन्च किया था, जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है, और उसी में रियलमी ने रियलमी GT नियो के ऊपर भी बात किया था। तो अब इसकी कुछ रूमर लीक सामने आ गई दोस्तों। इसमें आपको डायमंड सिटी का 1200 चिपसेट देखने को मिलेगा, और साथ में यह जो फ़ोन है वह टीना वेबसाइट पर लिस्टिंग भी होते हुए देखा गया है। तो कंफर्मेशन के साथ बहुत जल्दी चाइना में लॉन्च भी हो सकता है दोस्तों। और रूमर ये भी आ रही है कि इसमें आपको स्क्रीन के तौर पर 6.55 इंच का नॉच डिजाइन डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। तो अभी यह रूमर ही है, तो इसे आप रूमर ही लेना, और बाकी की जो भी इस पर अपडेट आती है मैं फिर से इस पर आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, अगली न्यूज IQ की तरफ से निकल के आ रही है। IQ Neo 5 जो बहुत दिन से टीज कर रहा था दोस्तों, अब उसकी कुछ रेंडर इमेज कंपनी ने शेयर कर दिया दोस्तों। यह आपको 16 मार्च को चाइना में लॉन्च होते दिख सकता है। और वही बात की जाए इसकी कुछ रूमर स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और साथ में आपको स्क्रीन के तौर पर AMOLED E3 पैनल देखने को मिल सकता है।
और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, और आगे की तरफ का जो कैमरा है उसमें आपको छोटा सा पंच होल देखने को मिल सकता है। और बात की जाए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, यह एंड्रॉयड 11 बेस्ड भी होगा, और यह आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल सकते हैं। और इसकी कुछ रूमर्ड प्राइस ये बताई जा रही है दोस्तों कि आपको 35,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। अब 16 मार्च को यह लॉन्च हो ही रहा है, तो बाकी की जो भी इसकी अपडेट होगी मैं फिर से इस पर आपको अपडेट करूँगा। तो दोस्तों आज का टेक न्यूज बस इतना ही, तो जिन लोगों को यह टेक न्यूज अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी मार देना और घंटी को भी दबा देना ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और जो लोग भी नए हैं जो हमारे चैनल को विजिट करते हैं, वीडियोस वाच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा नया यूट्यूबर हो यार प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना कि टेक न्यूज के अलावा और किस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मैं वैसी वीडियोज बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए